दीपक गोस्वामी गिरफ्तारी मामले में उसकी रिहाई की मांग को लेकर किसान मंच के सदस्यों ने गुरुवार से अंबेडकर चौक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। इस दौरान बताया गया कि दीपक गोस्वामी को गलत तरीके से फंसाया गया है। पुलिस पैसे के लोभ में बिना जांच पड़ताल किए दीपक गोस्वामी के ऊपर पॉक्सो धारा लगाकर जेल में बंद कर दिया गया है। बताया गया कि जिस बेबी कुमारी के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाकर दीपक गोस्वामी को गलत तरीके से फंसाया गया, वही बेबी कुमारी बयान दे रही है कि दीपक गोस्वामी निर्दोष है। पुरानी रंजिश को लेकर मनोज ठाकुर अपने बेटे का फायदा उठाकर दीपक को फंसाया है। जारी एक वीडियो क्लिप में बेबी कुमारी ने स्पष्ट कहा है कि दबाव में आकर उसे झूठ बोलना पड़ा था और उसे उसके परिवार वाले घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। बाहर निकलने पर मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बेबी कुमारी का कहना है कि दीपक गोस्वामी निर्दोष है, उसे रिहा कर दिया जाए। इस बाबत किसान मंच की नेत्री अन्ना मुर्मू ने कहा कि पचम्बा थाना प्रभारी ने दीपक गोस्वामी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, वह गलत है। कहा कि भूमाफिया मनोज ठाकुर की बेटी बेबी कुमारी ने वीडियो बनाकर एवं पत्र लिखकर यह सार्वजनिक की है कि दीपक गोस्वामी बिल्कुल निर्दोष है। किसान मंच के सचिव विजय कुमार ने भी पचम्बा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। भूख हड़ताल में पूरन सिंह, घनश्याम पंडित, सनातन तिवारी, अनीता हंसदा, बॉबी देवी, सरिता कुमारी, बिंदिया देवी, दुलारी देवी, बिमरा देवी समेत सैकड़ों लोग बैठे थे। हम लोग बैठे हुए हैं, जब तक इसका सही फैसला आज मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं बेहाल रहेंगे। और उसका न्याय विचार लेके ही उठेंगे। हम लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जब तक दीपक गोस्वामी को रहा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। चाहे एक महीना, दो महीना, दो दिन, चार दिन, जब तक लग जाता तो हम लोग बैठे रहेंगे। लेकिन जो सबूत जो मिला है दीपक गोस्वामी को सच्चाई का, वो सच्चाई जिसके सामने है उसको देखा जाए, उसको पढ़ा जाए, ताकि कई लड़की जैसे अपने से बयान दिए है करके दीपक कुमार गोस्वामी जैसे झूठ फूस में उसको फंसाया गया है। फंसाया गया है जो भूमाफियाज है, भूमाफिया झूठ फूस में फंसाया गया है। उसको जमीन वो बोल रहा है कि छोड़ दो, चार बेटा निकाल दो, उसको कहना की बात है। बेटा अगर सलामत चाहते हो तो जमीन को हमको छोड़ दो, भूमाफिया के कहना है। वो जमीन को छुड़ाने के लिए जाल फाड़ किया है, लड़की को शादी करके लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है, पूरा बेटा भी बर्बाद कर रहा है।